वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, एनएमएस एग्जाम का जो मैट पेपर है 2019 और 20 का, वो पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। इसके प्यारे बच्चों, पार्ट थ्री लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पार्ट थ्री, इसके पहले दो पार्ट में हमने 30 नंबर सवाल तक के तमाम सवाल को हल किए है। पार्ट थ्री प्यारे बच्चों जो है 31 नंबर से हल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 31 से देखेंगे, प्यारे बच्चों सवाल नंबर 31 देखेंगे। 31 और 32 के लिए यहाँ पर हिदायत दी हुई है। नीचे एक ही कुंदे के तीन हालतों की शक्लें दिखाई गई है, इन शक्लों का मुशाहिदा करके आगे के सवाल के मुनासिब जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक पूरा टॉपिक मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया कि हमारी जो प्ले लिस्ट है ज़हनी आजमाइश को मैंने बोर्ड पर पूरा समझाया हो, अगर आप वहां पर जाकर चेक करेंगे तो ये पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं प्यारे बच्चों, कभी एक अदद कॉमन होगा डाइस के अंदर, मगब के अंदर, कभी दो अदद कॉमन होगी, कभी तीनों, एक भी अदद कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कॉमन अदद को प्यारे बच्चों पकड़ कर हमको जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखो यहाँ पर कहीं गौर करेंगे तो यहाँ 6 और यहाँ 6, ठीक है, ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अब 6 को पकड़ कर प्यारे इस डाइस को हम घुमाएंगे घड़ी की सिंध में, तो पहले 6 आ रहा है, ठीक है, फिर 4 आ रहा है, ठीक है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको पकड़ रहा हूँ हम घड़ी की सिंध में घुमाएंगे, तो पहले 6 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया। अब यहाँ पर कौन सा दस बच रहा है, देखो वो गौर करें तो एक एक बच रहा है, ठीक है। तो यार 6 के सामने हम 1 को लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ 6 के सामने 1 आएगा, 4 के सामने 2 आएगा और 3 के सामने 5 आएगा। शक्ल 2 के कायदे की सतह पर कौन सा इंदिशा होगा, ये 2 की यानी 4 के सामने पूछे पैर, 4 के सामने, अब 4 के सामने कौन सा है, तो 4 के सामने 2 है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। कायदा यानी नीचे, कायदा ही नीचे, तो 4 के सामने वाली शक्ल में जो है कौन सा नंबर आएगा उनको पूछा गया। अब यानी कि हिंदिशा लिखी हुई सतह से मुतसिला कौन सा हिंदिशा नहीं होगा, तो पैर यहाँ पर हिंदिशा दिया ही नहीं है, ठीक है, हिंदिशा यहाँ पर दिया ही नहीं है, हमारी बात। हिंदिशा लिखी हुई सतह से मुत्तसिला कौन सा हिंदिशा नहीं होगा, अगर 31 नंबर सवाल को बेस बनाया तो पहले उस इस एतबार से भी हमारा जवाब नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही जवाब रहेगा, ठीक है, समझ मारे। 4 से जो है 4, ठीक है, 4 से मुत्तसिला कौन सा नहीं रहेगा, 4 से मुत्तसिला लगकर जो है वो 2 नहीं रहेगा, ठीक है, समझ भाई। हालांकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूरा प्रिंट गलत है, यहाँ पर हिंदिशा हिंदिशा ही लिखा नहीं है, यहाँ पर हिंदिशा लिखा नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर पहले सवाल को बेस बनाएगा तो उसके मुताबिक भी हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 सही जवाब रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 से 36 के लिए देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये मेरा जो 4 मार्क्स आपकी बहुत ही फ्री की एकदम, जब आपको लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या है बस, तो एक इशारा दी जबान में इस्मार, ये लफ्ज 4 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा है, ठीक है, इस तरह से, ये एक तरीका, ये 2 तरीका, ये 3 तरीका और 4 तरीका। वो इशारा दी जबान पहचान कर आगे के सवाल का लफ्ज 4 में से कौन सी एक इशारा दी जबान में लिखा हुआ है वो तलाश कीजिए। देखेंगे अगर जो गौर करेंगे हम तो सवाल नंबर 33 देखेंगे, ठीक है। अब हैंडसम, हैंडसम के प्यारे बच्चों देखो पूरा जो लिपि है वो इसके अंदर आई है, एक भी लिपि कम नहीं हुई है, तो स्मार्ट में हम कौन सा ऑप्शन ऐसा लेंगे जिसमें तमाम लिपि आई है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, इसमें स्मार्ट की तमाम लिपि आई है, तो ऑप्शन नंबर इसका मुतबादी नंबर 4 इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हम 4 नंबर का दायरा भरेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे देखो ब्यूटी, तो पहला बी ई तो बराबर है, ए के बाद के तो प्लस सी हो गया, तो प्लस 3 हो गया, ठीक है, प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे मेरे बच्चों एस और एम तो जो है वो अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर बच्चों, तो एस एम आएगा, ठीक है, ये एम आएगा, एम एम तो दिया ही नहीं हो कहीं पर, तो एम से लेने देने या एम आएगा, तो ए से यहाँ पर ओवर हो गया, ठीक है। अब ए से सी हुआ है, तो ए से सी देखेंगे यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो 34 नंबर के लिए एक नंबर हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है,
आगे और देख लेंगे, u से x हुआ है, ठीक है, u से कितना हुआ है, अब u जो है वो 21 नंबर पर आता है और x जो 24 नंबर, तो प्लस 3 हुआ, ठीक है, तो r जो है r x u x, ठीक है, प्लस 3 हो रहा है 21, तो r 18 नंबर पर आता है तो प्लस 3 करेंगे 21 होगा, 21 नंबर पर u आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, और t से x हो गया है, वैसे हुआ है 20 नंबर पर है, अरे 24 नंबर पर है, प्लस 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखेंगे t जो है वो 20 नंबर पर आता है, x जो 24 नंबर पर आता है, प्लस 4 हो रहा है, t के लिए x बराबर आ रहा है, तो पहले 34 नंबर सवाल के लिए जो है एक नंबर सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब देखिए लाइक के लिए ओ आर पी बी, तो एल से ओ हो गया है, एल 12 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, तो कितना हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 होना, देखिए एस 19 नंबर पर आता है, प्लस 3 करेंगे और 22 नंबर पर कौन सा आएगा, यू आएगा मेरे बच्चों 22 नंबर पर, ठीक है। आई जो है 9 नंबर पर आता है, अब 9 से कितना हो गया, वो 18 हो गया है, तो प्लस 9 हो जा रहा है, ठीक है, प्लस 9 हो जा रहा है। अब एम जो है 13 नंबर पर आता है, ठीक है, तो 13 से हम जो है प्लस 9 करते हैं आई और आर, ठीक है, प्लस 9, तो एम 13 नंबर पर आता है, एस से एल से ओ, ठीक है, 35, तो प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, एस में प्लस 3 करेंगे हम, तो 19 और 3 22, ठीक है। अब एम जो है आई से ओ आर जो है अच्छा, ये लॉजिक नहीं लिया, गौर करेंगे हम, ये लॉजिक यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए जो है ये 12 नंबर पर है, ये 9 नंबर पर है, एक 11 नंबर पर है, 5 नंबर पर, ठीक है, ये 15 नंबर पर, 18 नंबर पर, 16 नंबर पर, ये 22 नंबर पर, ठीक है। अगर गौर करें तो ये यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 हो रहा है, और फिर जो है वो माइनस 6 हो रहा है, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 6, ठीक है, उल्टा किया गया तो गौर करेंगे हम, ये माइनस प्लस 3, ठीक है। अब एस से प्लस 3 कह रहे थे, यू आ रहा जवाब, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 2 लेंगे, एम से अगर हम एम से अगर प्लस 6 करते हैं तो एम 13 नंबर पर आ रहा है, ये जो 19 नंबर पर आए, ठीक है, प्लस 6, और उसके बाद में जो है ए, ठीक है, प्लस 1 हो रहा है, ए से बी, ये लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है, एल से माइनस 3, ठीक है, 40, चलो यहाँ पर अपोजिट फेस का लिया गया है, अपोजिट फेस लिया गया है, तो गौर करो यहाँ पर, तो अपोजिट फेस हमने देखे, ठीक है, इसका जवाब तो 4 नंबर था, जवाब जो है वो 1 नंबर था, ठीक है, ये एन था, एम था ये, ठीक है, ये तो हो गया। फिर जो एल और ओ, एल का 12 है, ओ का 15 है, तो 12 15 27 हो रहा है, ठीक है, 27, आई 9 नंबर पर है, आर जो 18 नंबर पर, 9 और 18 27,
ए 11 नंबर पर है, पी 16 नंबर पर, 27। तो मेरा जो अपोजिट फेज लिया गया यहाँ पर, अपोजिट फेज, ठीक है, अब समझ में आया, अपोजिट फेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एस का पैर जो अपोजिट जो आएगा एच आएगा, एन का अपोजिट जो है वो एन आएगा, ठीक है, ए का अपोजिट जो है जेड आएगा, आर का अपोजिट जो है वो आई आएगा, और टी का अपोजिट जो है वो जी आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा अपोजिट, आप इससे पहले मैंने आपको बताया, आप यहाँ से ए से लेकर पूरा मैंने एम तक लिखा था, फिर एन से लेकर यहाँ पर जेड तक लिखा था, ठीक है। तो ये अपोजिट फेज है। देखो एस जो है वो 8 नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है, दोनों की जमा 27 होंगी। एन जो है 14 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर, दोनों की जमा 27 होंगी, ठीक है। मेरा अपोजिट फेज का तो एच एन जेड आई जी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। और 36 के लिए हम डायरेक्ट जो है हल नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को भर देंगे, ठीक है। फिर मैं लॉजिक समझना, लॉजिक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 और 38 के लिए आगे के अददी सिलसिले में गलत रकम तलाश कीजिए। 10 से 14 हो गए, 14 से 28 तो ये प्लस 4 हुआ यहाँ पर, रिजर्व 2 हो गया, ठीक है, 14 दूनी 28। अब 28 में 4 जमा हुआ है, रिजर्व 2 हो गया है, 32 दूनी 64, ठीक है, 64 में 4 जमा हुआ है, ठीक है, प्लस 4 हुआ है। अब 68 का डबल करेंगे हम, 2 8 16 के 86 आए, 2 6 12 13, 136। 132 यहाँ पर गलत है, ठीक है, 132 की जगह 136 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 3 7 15 39 63 127 255 511, फिर प्लस 4 हो रहे हैं यहाँ पर, या प्लस 8 हो रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस 16 अगर हम करते हैं, प्लस 16 तो 15 में 16 मिलाएंगे, तो यहाँ पर 39 से 31 आएगा, 31 में 32 प्लस करते हम तो 63 आ रहे हैं, 32 में अगर हम 63 में 64 प्लस करते हैं, प्लस 64 तो 127 आएगा, 127 में प्लस 128 करेंगे हम तो 64 का डबल कितना होगा, 128 होगा, ठीक है, तो 255 जवाब आएगा, पैर बच्चा करके देख सकते हैं। अब 255 में 128 से डबल कितना आएगा, 240 और 816, 256 आएगा, ठीक है, तो 256 प्लस करेंगे तो जवाब हमको 511 मिलेगा, तो जो गलत हो गया मेरे बच्चों वो 39 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। डबल अदद जो है वो प्लस किया गया आ गया, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, ठीक है, इस तरह डबल अदद करके प्लस किया गया है, ये वाला लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देखेंगे, हरफों की मखसूस तरतीब का मुशाहदा करके खाली छोड़ी हुई जगहों पर कौन से हरफ आएंगे वो मुतबादिल लिखिए। तो मेरे जो इस सवाल को हल करने का सबसे आसान एक लॉजिक है, ट्रिक है, गौर करेंगे हम। सबसे पहले हरफ गिने कितना है, क्योंकि तो 3 3 6 3 3 9, ठीक है, 9 है, तो 3 3 में डिवाइड कर देंगे, 3 3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे पी एस, ठीक है, पी एस अगर हम फिर टी पी फिर टी एस, अगर यहाँ पर पी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ टी पी तो यहाँ पर एस नहीं है और यहाँ पर टी नहीं है, तो तीनों हर पे पैर बच्चों एक एक मरतबा इस्तेमाल हो रहा है, देखो पी एस टी एस टी पी टी पी एस, ठीक है, तो यही लॉजिक इस्तेमाल हुआ, टी एस पी हमारा जवाब रहेगा, कहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। तीनों के अंदर जो है तीनों हर्फ लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, ये 2 4 5 5 में हम डिवाइड करके देंगे, मेरे बच्चों 5 5 में, 5 5 में डिवाइड करते हैं इसको, अगर हम समझ लो 14 लिया है, 3 3 6 3 9 3 6 12 2 14, 3 3 में डिवाइड करके देखते हैं, 4 4 लेते, 4 4 में डिवाइड करके देखेंगे, 4 4 4, ठीक है। अब जी एच जी एच, ठीक है, तो तीनों का एच आया यहाँ पर, एच को लगा कर देखेंगे, तो जी एच, ठीक है, एच जी, ठीक है,
लगाकर देखते हैं। फिर जी एच जी एच एच जी, ठीक है। अगर जी एच जी एच एच जी एच जी ये वाला लॉजिक यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। अब एच जी 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 एच कहाँ पर है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर तीन जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 के लिए आगे के सवालात में हर्फों का एक मखसूस गुरु दिया हुआ है। दिए हुए मुतबादिलात में से एक मुतबादिल इस गुरु से मुतालिक है, वो मुनासिब मुतबादिल लिखिए, ठीक है। इससे मुतालिक ही बैठ, ठीक है। अब गौर करनी है, बी का मुकाबले नंबर दो है, डी का चार है, बी का चार है, पी का 16 है, सी का तीन है और आई का 9 है। ये तीन का मुरब्बा, ये चार का मुरब्बा, ये दो का मुरब्बा, ठीक है। लेकिन ये एक है, एक का मुरब्बा एक ही रहेगा, तो ये हमारा जवाब आ सकता है। आगे देख लेंगे, ई का मुकाबले नंबर 5 है, एक्स का 24 है, 5 का मुरब्बा 24 तो नहीं होगा। एच का मुकाबले नंबर 8 है और ये 20 है, 8 का मुरब्बा 20 भी नहीं होगा, गलत। के का मुकाबले नंबर 11 है, जेड का 26 है, तो 11 भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही जवाब है। मुरब्बे का लॉजिक लिया गया है, मुरब्बे का लॉजिक जो है इस क्वेश्चन में लिया गया है। अब देखें, डी डब्ल्यू वी एल ओ एन एच एस आर, अगर जो गौर करेंगे अगर हम यहाँ, तो ये इसका जो मुकाबले नंबर डी का 4 है, डब्ल्यू का 23 है, तो 23 और 4 27 एक दूसरे के अपोजिट फेज में है। एल का 12 है, ओ का 15 है, 12 15 27 एक दूसरे के अपोजिट फेज में है। एच का 8 है, एस का 19 है, 19 8 27 अपोजिट फेज में है, ठीक है, अपोजिट फेज है। यहाँ देखेंगे बी 2 है, सी 4 है, गलत, 2 3 5 हो रहा है यहाँ पर, अपोजिट फेज नहीं आ रहा है। डी 7 नंबर पे है, डी 20 नंबर पे है, तो 20 और 7 27 ये आ रहा है पैरों, ये अपोजिट फेज में आ रहा है। के 10 नंबर पर, के 11 नंबर पर 21, ठीक है, ये भी अपोजिट फेज में नहीं आ रहा है। एम 13 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, दोनों की जमा करें 25, ये भी अपोजिट फेस में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, दो हमारा सही जवाब है, ठीक है। अपोजिट फेस का लॉजिक यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में आपको अपोजिट फेस पूरा लिखकर समझाया, अगर मैं लिखकर समझाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आप अगर पहली वीडियो देखेंगे, हमारे पहले पार्ट देखेंगे इस पेपर का, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये भी लेंगे, V से N हुआ है, ठीक है। V 21 नंबर पर आता है, U V 22 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, ठीक है। तो V से N हो रहा है यानी -8 हो रहा है, और N से R हो रहा है यानी +4 हो रहा है, ठीक है। V N R, ठीक है, तो 19 R 19, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से गौर करेंगे, यहाँ के लिए 22 और 23, ठीक है, ये 14 और 15, ठीक है, ये 19 के बाद ये 18 है, 18 19, ठीक है, 18 19, तो इससे भी हमको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, जिससे भी हमको समझ में आ जा रहा है। डी टी एस, डी टी एस हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, एन एस डब्ल्यू जी एल पी एक्स सी जी, ठीक है, एक्स सी जी। अगर पहले चाहे गौर करना है हमें, तो ये देखो एन का मुकामी नंबर 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ठीक है, जी का 7, एल का 12, पी का 16, एक्स का 24, पी का 3 और जी का 7, ठीक है। अब क्या लॉजिक यहाँ पर आ सकता है, क्या लॉजिक यहाँ बैठ सकता है, तो 14 से 19 हुआ है, ठीक है, 14 से 19 हुआ, तो +4 हो रहा है, ठीक है, अरे सॉरी +5 हो रहा है, यहाँ 7 से 12 हो गया तो +5 हो रहा है, यहाँ 24 से 3 हो गया, 25 26 यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है, +5 हो रहा है। तो एल जो है 12 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है, तो ये +6 हो जा रहा है, ठीक है, नहीं बैठ रहा है। डी 4 नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, +5 हो रहा है, ये आ रहा है। डी 20 नंबर पर आता है,
वो आए 25 नंबर पर आता है, तो यहाँ प्लस 5 हो रहा है, ये भी आ रहा है ठीक है। बी 2 नंबर पर आता है, एफ जो 6 नंबर पर आता है प्लस 4 हो रहा है, तो ये नहीं बैठ रहा है, ये दोनों में से आ सकता है। चलो आगे देखेंगे, या तो प्लस 5 का लॉजिक यहाँ पर हो गया है। अब 19 से 23 हुआ है ठीक है, 19 से 23 हुआ है तो प्लस 4 हो रहा है, 12 से 16 हुआ है तो प्लस 4 हो रहा है, 3 से 7 हुआ तो प्लस 4 हो रहा है ठीक है। अब प्लस 4 देखेंगे तो 9 में 4 मिलाएंगे 13, यहाँ पर 13 नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, देखो 13 नंबर नहीं आ रहा है, एम आता है 13 नंबर पर, तो ये तो गलत जवाब हो जाएंगे ठीक है। 9 में 4 मिलाएंगे प्लस 4 करेंगे तो 13 आया, और 13 नंबर पर एम आता है ठीक है। अब वाई 25 है, 25 में प्लस 4 करेंगे तो 29 हो जाएगा, पर 29 हो जाएगा, और 26 नंबर के बाद एक लेंगे हम 27 ठीक है, 28 दो नंबर पे, और 29 जो है 3 नंबर पे, और 3 नंबर पर सी आता है, ऑप्शन नंबर 3 पे है बच्चों। इस लॉजिक से हमारा जवाब बैठ रहा है, तो प्लस 5 और प्लस 4 का यहाँ लॉजिक लिया गया है ठीक है, प्लस 5 और प्लस 4 का लॉजिक यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अगर एक इशाराती जबान में देखो एन ए आर जी आर यू ई डी को ग्रेंडर लिखा, इस तरह लिखते हैं, तो उसी इशाराती जबान में एस ई आर पी ई वी आर ई को किस तरह लिखेंगे। तो अगर गौर करेंगे यहाँ पर देखो, ये जी से इस तरफ का हर्फ जो है इस तरह लिखा है, जी आर ए एन ठीक है ठीक है, और इस तरफ लिख दिए गए, और डी से आर तक के हर्फ को उसके बाद लिख दिए गए हैं, डी ई यू आर ठीक है, इस तरह से समझ आ रहे हैं। हम चार इस तरफ लिखेंगे पहले बच्चों, इस तरफ पहले, तो पी आर ई एस, फिर चार इस तरफ लिख देंगे, ई आर वी ई प्रिजर्व प्रिजर्व प्रिजर्व, यहाँ भी गलत हो जाएगा, प्रिजर्व हो गए, ये भी गलत हो गए, प्रिजर्व ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। तो ये वाला लॉजिक यहाँ बात कर बच्चे यहाँ पर लिया गया है ठीक है, और ये भी गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, ये प्रिजर्व सही लिखा है ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही। बच्चे यहाँ वी पहले आ गया, देखो यहाँ वी आखिरी में, आर की जगह वी आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। तो समझ आ रही मेरे बच्चों, ये वाला लॉजिक यहाँ पर लिया गया है, यहाँ से चार लफ्ज पलटा कर लिख दिए गए हैं, फिर यहाँ से चार लफ्ज पलटा कर लिख दिए गए, बस ये वाला लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ठीक है मेरे बच्चों, 15-15 क्वेश्चन हम हर पार्ट में ले रहे हैं, ये मेरे अगर पूरा पेपर में हल करते बैठे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, आप बोर भी हो जाएंगे, आपको ज्यादा समझेगा भी नहीं, पूरा लेंदी हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में ठीक है, इसलिए हम हर पार्ट में सिर्फ 15 क्वेश्चन को ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर एक इशाराती जबान में रेड ये लफ्ज 6720 इस तरह लिखते हैं, तो उसी इशाराती जबान में ब्लू ये लफ्ज किस तरह लिखेंगे। बच्चे यहाँ पर गौर करेंगे, अगर हम देखो आर का मुकामी नंबर जो 18 है ना ठीक है, ई का 5 है, ई का 4 है ठीक है, तो ये 18 से 20 इस तरफ ठीक है, तो प्लस 2 हो जा रहा है ठीक है, ये 5 से 7 हो जा रहा है, देखो 5 से 7 तो प्लस 2 हो रहा है ठीक है, और ये 4 से 6 हो जा रहा है ठीक है, यहाँ भी प्लस 2 हो जा रहा है। अब बोली ब्लू के लिए देंगे हम ब्लू ठीक है, ब्लू अब ई 5 नंबर पे, यू जो है यू वी 21 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, बी 2 नंबर, अब इससे हम प्लस 2 करेंगे ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर पर जी आएगा ठीक है, फिर 21 से प्लस 2 करेंगे हम 23, 23 नंबर पर जो है वो डब्ल्यू आएगा, एल से प्लस 2 करेंगे 14 ठीक है, 14 नंबर पर एन आएगा, बी से प्लस 2 करेंगे तो प्लस 2 करेंगे 4 ठीक है, 4 दो में दो मिलेंगे 4 हो जाएगा, और 4 नंबर पर आने वाला हर्फ जो डी। अगर प्यारे बच्चों आपको अगर अल्फाबेट भी पूछ लिया जाता तो हम अल्फाबेट का जवाब यहाँ दे सकते थे कि अल्फाबेट से ब्लू से इस तरह बनेगा ठीक है, तो 4 14 23 7 कहाँ पर है, 4 14 23 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 14 23 7 ठीक है, 4 14 23 7 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। तो ब्लू के लिए मेरा जो ये हर्फ ये अदद इस्तेमाल होगा ठीक है, लॉजिक समझ सकते हैं आप,
प्लस दो का लॉजिक यहाँ पर लिया गया है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो, लेकिन उल्टे तरफ कर दिया गया है, उल्टे तरफ कर दिया गया है, ठीक है। आर को इधर प्लस करके इस तरफ लिख दिया गया है, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। मेरा जो पार्ट थ्री हमारा जो यहीं पर खत्म होता है, ठीक है, पार्ट थ्री हमारा जो यहीं पर एंड होता है, खत्म होता है। अब आइंदा जो है नए पार्ट के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।